बात किसानों के हवाले से, दिल्ली की सरहदों पर किसानों के एहतजाज का और इस तहरीक का आज 26वां दिन है। 25 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और आज से भूख हड़ताल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है किसानों की तरफ से। 25 दिसंबर से जिस तरीके से जो फैसला किया गया है कि जितने भी टोल्स हैं वहां पर टोल नहीं दिया जाएगा, हुकूमत से एक बार फिर मुज़ाकराती अमल हालांकि हुकूमत की तरफ से आगे बढ़ाने की दोबारा तजवीज़ जरूर रखी गई है, लेकिन किसानों की तरफ से आज से लगातार हर 24 घंटे में भूख हड़ताल एक बार करके इन कवानीन की मुखालफत की जाएगी और बातचीत का एक और दौर जल्द मुतवक्को है। जल्द मरकज के साथ दोबारा बातचीत इस एहतजाज को खत्म करने की या आगे पर क्या कुछ हिकमत अमली रहेगी उस पर होगी, लेकिन बड़ी बात कि आज से भूख हड़ताल शुरू हो गई है और 25 दिसंबर से टोल ना देने का ऐलान। किसान जो अब तक आंदोलन में शामिल 40 से ज्यादा ऐसे अलग अलग यूनियंस हैं जिनके सरबराहान की तरफ से मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त से लगातार ये किसान बैठे हैं और कल का दिन भी काफी अहम गुजरा जहां पर अब तक दर्जनों किसान जो इस तहरीक के दौरान अब इस दुनिया में नहीं है अपनी जान गंवा बैठे, उन सभी को खराज तहसीन पेश किया गया और न सिर्फ दिल्ली की सरहदों पर बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान से आए हुए किसानों के जो नए जत्थे दिल्ली की तरफ भी कूच कर रहे हैं उनकी तरफ से भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। और अब तक चूंकि इस तहरीक के दौरान इन सरहदी हिस्सों में जहां तक तहरीक अब जब जिन इलाकों के अंदर चल रही है, 26 दिनों के दौरान अब तक करीब 3 दर्जन ऐसे किसान हैं जो इस तहरीक के दौरान अपनी जान गंवा बैठे, उन सभी को याद किया गया, लेकिन आज से बाज़ाब्ता भूख हड़ताल का ऐलान किसान यूनियंस की तरफ से कर दिया गया। जहां एक तरफ से किसानों ने अपने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया, वहीं पर सरकार ने एक बार फिर मुज़ाकरात की हामी भर दी है और 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी खत मरकजी वजारत ज़राअत की तरफ से तहरीर किया गया है और मरकजी वजीर ज़राअत की तरफ से क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के सदर डॉक्टर दर्शन पाल और विवेक अग्रवाल जॉइंट सेक्रेटरी के नाम से जो है वो खत तहरीर किया गया है, जिसे और तकरीबन 40 किसान नेताओं को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि वो अपनी बात जो है वो तहरीरन हुकूमत के सामने रखें कि आखिर किन मुद्दों पर अभी भी डेडलॉक बना हुआ है। नंबर एक। नंबर दो, डेट और वक्त का तायुन करें, यानी एक बार फिर हुकूमत ने किसानों के पास ही बॉल को भेज दिया है कि अगले राउंड की मुज़ाकरात यानी अगले दौर की बातचीत जो है वो किसान तय करेंगे कब, कहां और कैसे, कितने बजे मुज़ाकरात होनी है, इस हवाले से भी कहा गया है। और ये भी साफ कर दिया गया है कि लगातार मरकजी वजारत जो है वो मामलात को हल करने के लिए कोशा है, लेकिन किसानों को भी अपनी अना का मामला बनाते हुए नहीं बल्कि इसको मुल्की मफाद में देखना पड़ेगा। तो ये इस वक्त बड़ी खबर है कि किसान सरापा एहतजाज है, सरकार की तरफ से पहल की गई है, 5 सफ़ात पर मुश्तमिल खत लिखा गया है, 13 रिप्रेजेंटेटिव यूनियन जो हैं उनके साथ आज मुज़ाकरात हो सकती है। ये भी एक बड़ी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि किसान दो हिस्सों में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और जब पिछली बार सरकार के साथ कुछ किसान नेताओं की बातचीत हुई थी 8 दिसंबर को, उसके बाद अब माना जा रहा कि एक और मुज़ाकरात है वो आज होनी है, कुछ किसान लीडर जो है वो अमित शाह से मुज़ाकरात के लिए बातचीत कर सकते हैं। अब ये कौन वाले किसान हैं, ये हक वाले हैं या ये भी नाराज़ वाले हैं, थोड़ी देर में ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी है, लेकिन कुल मिलाकर अब मामला जो है वो और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। इधर किसान यूनियनों की तरफ से साफ कर दिया है कि वो एनडीए के सभी अलायंस के लीडर्स के साथ यानी एनडीए पार्टनर्स के साथ अलहदा तौर पर मीटिंग्स भी करेंगे। इस तरीके की बात जो है वो सामने आ रही है कि कौमी जमहूरी इतिहाद एनडीए के मुख्तलिफ अरकान के साथ किसान लीडर जो है वो राबता करेंगे और उन्हें अपनी बात बताएंगे ताकि हुकूमत पर और असरअंदाज हो सके किसानों की तहरीक। बड़ी खबर हम इस वक्त आपको बता रहे हैं कि किसान लगातार सरापा एहतजाज है, कड़ाके की ठंड के बीच रात का दर्जा हरारत जहां काफ़ी नीचे चला गया है दिल्ली के अंदर, वहीं पर खुले आसमान तले किसान लगातार एहतजाज पर है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान लगातार एहतजाज पर है और दीगर रियासतों के अंदर भी लगातार एहतजाजी मुजाहरा होने की खबरें जो है वो आ रही है। इस बीच सरकार ने खत लिखा है और मुज़ाकरात की हामी भी भर दी है और अब कह दिया है कि किसान नेता खुद फैसला करें कब, कहाँ और कितने बजे मुज़ाकरात करनी होंगी और तहरीरन ये सारा मामला जो है वो कर दिया गया है। तो बड़ी खबर किसानों की हम आपके सामने रख रहे थे, इसके फौरन बाद